Hey students, welcome back to your channel. Today we are going to start a very important topic, that is Kirchhoff's law. इस चैप्टर से आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना 110% तय है, तो आप इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे. What is Kirchhoff's law? Kirchhoff एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसके इलेक्ट्रिसिटी के कंसर्न में दो लॉ दिए हैं. एक है वोल्टेज के रिगार्डिंग और एक है करंट के रिगार्डिंग. जो देखते हैं इसको, Kirchhoff's law जो वोल्टेज के रिगार्डिंग है वो है Kirchhoff's वोल्टेज लॉ KVL, एंड जो करंट के रिगार्डिंग है दैट इज Kirchhoff's करंट लॉ KCL. KVL को लूप रूल भी बोलते हैं और KCL को जंक्शन रूल भी बोलते हैं. इतना आप नोट कर लेंगे. स्टार्ट करते हैं पहले KCL से. नाउ व्हाट इज KCL? इट स्टेट्स दैट करंट एंटरिंग एनी जंक्शन is equal to current leaving that junction. क्या मतलब हुआ इस लॉ का? Let's represent it mathematically. We don't need this now. ये रूल कह रहा है कि जैसे आपका कोई भी एक्स वाई जेड नेटवर्क है, लेट्स सपोज कोई बड़ा नेटवर्क, छोटा नेटवर्क, कैसा भी नेटवर्क हो, एक नेटवर्क में जहां पर मोर देन टू वायर्स आपके कनेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं, वो आपका जंक्शन होता है, राइट? तो ये लॉ कह रहा है कि किसी भी जंक्शन पे एंटर करने वाला करंट, let's say three currents are entering, I1, I2 and I3, and let's say I4 is leaving the junction. ये तीनों का direction देखेंगे, ये junction पे enter कर रहे हैं, और इसका direction देखेंगे, ये junction को leave कर रहा है. तो इस rule के according, entering current is equals to leaving current. This is the mathematical equation for KCL, Kirchhoff's current law. इसी same equation को एक और तरीके से represent कर सकते हैं, which is I1 plus I2 plus I3 minus I4 equals to zero. Nothing but उसको हमने same side पे ले लिया है. और आप बोल सकते हैं कि जो leaving current है, अगर आपने entering का sign positive लिया है, तो leaving का नेगेटिव लोगे और सभी का जो सम है, यानी कि किसी जंक्शन पे करंट स्टे नहीं कर सकता, जितना करंट आया है उतने करंट को जाना भी होगा. एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जंक्शन के लिए आई इनकमिंग इज इक्वल्स टू आई आउटगोइंग. जितना करंट किसी जंक्शन पे आया है उस करंट को उस जंक्शन को छोड़ना भी होगा. करंट कैनॉट स्टे एट अ जंक्शन. क्लियर? लेट्स टेक अनदर रूल विच इज KVL, Kirchhoff's वोल्टेज लॉ, जिसको लूप रूल भी बोल रहे हैं. इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, क्वेश्चंस करने में ही हमारी बहुत हेल्प करने वाले हैं. लेट्स टेक अ लूप. ये हमने एक सबसे बेसिक लूप से स्टार्ट कर रहे हैं. लूप की कॉम्प्लेक्सिटी को हम बढ़ाएंगे जरूर, बट अभी हम बिल्कुल बेसिक लूप से स्टार्ट कर रहे हैं. ये कोई वोल्टेज V अप्लाई किया है, ये कोई रेजिस्टेंस R1 है, ये कोई रेजिस्टेंस R2 है, और ये कोई रेजिस्टेंस R3 है. इस सर्किट में एक करंट चलेगी
और सीरीज में करंट कैसी होती है? सेम होती है, हमने लास्ट क्लास में देखा था सीरीज में करंट सेम होती है. लेट सपोज आई इज द करंट फॉर दिस सर्किट, तो आई करंट ही यहां से जाएगी, आई करंट ही यहां से जाएगी एंड आई करंट ही यहां से जाएगी, राइट. तो केवीएल कहता है इट स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज जीरो. मैथमेटिकली देखते हैं, केवीएल कहते हैं कि किसी लूप में, लेट से लूप किसको बोलेंगे आप, जहां से स्टार्ट हुए वापस वहीं आ गए, क्लोज्ड लूप लूप लेंगे आप, उसमें जितने भी वोल्टेज हैं सबका अगर टोटल किया जाए तो वो सम आएगा जीरो. तो पहले तो देखते हैं यहां कौन कौन से वोल्टेजेस हैं. ये वी तो हमें दिख ही रहा है. अच्छा वी क्या होता है? वी इक्वल्स टू आई आर, यानी कि जहां आई और आर है वहां पर भी एक वोल्टेज बनेगा. अब आर वन में से आई करंट जा रहा है तो एक वोल्टेज ड्रॉप होगा या नहीं होगा? यहां इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा वी वन, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा वी टू, इसके अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको नाम दे रहे हैं वी थ्री. तो टोटल कितने वोल्टेजेस हमारे पास? वी, वी वन, वी टू एंड वी थ्री. ध्यान देने की बात यहां ये है, करंट कैसे ट्रेवल करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो अगर करंट का ये डायरेक्शन हमने अज्यूम किया तो दिस इज पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव. केवीएल में आप ये सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले मार्किंग करनी है करंट के अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के डायरेक्शन बनाने हैं. उसके अलावा दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, आप या तो एंट्रिंग साइन ले सकते हैं, एंट्रिंग साइन, या फिर आप ले सकते हैं लीविंग साइन. बट जो भी साइन आप ले रहे हैं वो आपको सबके लिए सेम रखना है. कैसे? ध्यान देंगे. एंट्रिंग साइन, इफ सपोज मैं यहां से एंटर करती हूं तो सबसे पहले मुझे कौन सा साइन मिलता है? माइनस का. तो लेट सपोज मैंने इसका एंट्रिंग साइन लिया माइनस का वी, तो अब मुझे सबका एंट्रिंग साइन ही लेना है. तो अगर हम यहां से गए तो अभी एंटर करते टाइम कौन मिला? प्लस वी वन, प्लस वी टू, प्लस वी थ्री, ऑल फोर वोल्टेज इज कंप्लीट इज इक्वल्स टू जीरो. सभी वोल्टेज का सम जो है वो जीरो होगा. इफ सपोज समवन सेज मुझे एंट्रिंग साइन नहीं लेना, मुझे लीविंग साइन लेना है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन बनेगा, लीविंग साइन क्या है यहां पे? प्लस, लेट्स से प्लस का वी, तो सबका लीविंग लेना है. इसका लीविंग क्या है? माइनस, बाद वाला साइन, माइनस वी वन, माइनस वी टू, माइनस वी थ्री इक्वल्स टू जीरो. अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों इक्वेशंस का एक ही मतलब है. अगर मैं यहां माइनस वी को उधर ले जाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी वी इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री. और यहां से भी अगर हम वी वन, वी टू, वी थ्री को इक्वल्स टू के उधर ले जाएं तो जो यहां माइनस के हैं वो उधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो अगेन इक्वेशन बनेगी वी इक्वल्स टू वी वन, वी टू प्लस वी थ्री. समराइज करेंगे इसको. केसीएल तो बहुत आसान है कि एक पॉइंट, एक जंक्शन पर आने वाला करंट बराबर में जाने वाला करंट. केवीएल में दो बातों का ध्यान रखना है. अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं साइन में. साइन आप लीविंग ले सकते हैं, एंट्रिंग ले सकते हैं, बट आपको वो एक ही बार डिसाइड करने का चांस मिलेगा. अगर आपने यहां एंट्रिंग का लिया है तो सब जगह एंटर वाला साइन ही आप लेंगे, यानी कि फर्स्ट साइन. अगर आपने लीविंग का लिया है यानी कि बाद वाला साइन, तो सब जगह आप बाद वाला साइन ही लेंगे. और साइन आप तब लेंगे जब आप मार्किंग कर चुके हो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है. उसके अलावा लॉजिकली भी ठीक है. इस पूरे लूप में वोल्टेज दे कौन रहा है? वी. वोल्टेज कंज्यूम कौन कर रहा है? आर वन, आर टू और आर थ्री. तो आर वन, आर टू और आर थ्री मिलके कितना वोल्टेज कंज्यूम कर सकते हैं? जितना वोल्टेज उसको दिया जाएगा उतना ही तो कंज्यूम करेंगे.
सर्किट को टोटल वोल्टेज वी दिया जा रहा है और सर्किट में टोटल वोल्टेज कंज्यूम जो रहा है वो वी वन वी टू और वी थ्री हो रहा है, दे शुड बी इक्वल, राइट, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। तो अब कैसे हमें इन दोनों लॉ को क्वेश्चंस में यूज करना है, लेट्स सी दिस। इसके लिए हम एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेते हैं। केवीएल केसीएल जितना थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है उतना ही उसको अप्लाई करते टाइम आपको बहुत ही माइन्यूट सी चीजों के ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन ही इस पे आएंगे, आपसे थ्योरी नहीं पूछी जाएगी, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि केवीएल और केसीएल का डेफिनेशन लिखो, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दोज थिंग्स, राइट। लेट्स टेक अ क्वेश्चन जिसमें कि हमारे पास एक क्यूब है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन जिसके लिए ईच रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1 ओम। यहाँ पर हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम का गिवन है, 10 वोल्ट का हमें बैटरी गिवन है, एक क्यूब है, क्यूब के हर एज में एक रेजिस्टर लगा है 1 ओम का। क्या पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि डायगनली ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है बिटवीन ए एंड सी, दिस इज द फाइनल थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। अब जैसा हमने अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो हम उसको रिड्यूस करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के यूज से, बट इस केस में सीरीज और पैरेलल में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज नॉट पॉसिबल। ये अगर आप देखेंगे हमारे डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो इनका फर्स्ट एंड कनेक्टेड है, बट क्या सेकंड एंड कनेक्टेड है, नहीं, तो उसका मतलब पैरेलल में नहीं हो सकते, बट फर्स्ट कनेक्टेड है लेकिन सेकंड ओपन भी नहीं है, कहीं और कनेक्टेड है, तो ये सीरीज भी नहीं हो सकते। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, केवीएल और केसीएल की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करंट एज्यूम करते हैं ईच ब्रांच में, कैसे, एस जब सारे रेजिस्टेंसेस सेम हैं तो करंट कैसा होगा, सेम ही होगा सारे ब्रांचेस में। लेट सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं कि इस ब्रांच में आई करंट है, इस ब्रांच में भी आई करंट है और इस ब्रांच में भी आई करंट है, बिकॉज सेम जंक्शन से निकले हैं और सेम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में जा रहे हैं, तो करंट विल बी सेम। अब जब ये आई करंट यहां पहुंचेगा तो उसके बाद दो ब्रांचेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, एंड वी नो दैट एंटरिंग करंट शुड बी इक्वल्स टू लीविंग करंट, यानी इन दोनों का सम आई के बराबर होना चाहिए, और ये दोनों सेम ब्रांचेस हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, यानी कि ये जो आई है ये यहां जाने के बाद बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आई बाय टू एंड आई बाय टू। उसी तरीके से इधर जब ये आई पहुंचेगा तो यहां जाकर हो जाएगा आई बाय टू आई बाय टू, इधर से आई जब यहां पहुंचेगा तो ये हो जाएगा आई बाय टू आई बाय टू। अब यहां से आ रहा है आई बाय टू, यहां से आ रहा है आई बाय टू, तो यहां पे कितना हो जाएगा आई, ये क्या लगा रहे हैं हम ये इनडायरेक्टली लगा रहे हैं केसीएल जल करंट क्रिचॉफ्स करंट लॉ, कि आई बाय टू आया, आई बाय टू आया, तो एंट्रिंग करंट इज इक्वल्स टू लीविंग करंट, तो इन दोनों का सम जो है वो हमें लीविंग करंट दे रहा है। इस ब्रांच में आई बाय टू आ रहा है, नीचे से आई बाय टू आ रहा है, तो इस ब्रांच में कितना जा रहा है आई, यहां से आई बाय टू आया, यहां से आई बाय टू आया, तो इस ब्रांच में कितना जा रहा है आई, आई आई और ये वाला आई, तो अब इसमें कितना जाएगा, सी पॉइंट पे केसीएल लगा रहे हैं हम, आने वाला करंट इज इक्वल्स टू जाने वाला करंट, तो आई प्लस आई प्लस आई इक्वल्स टू 3i, राइट। अब इस पॉइंट से भी अगर आप देखें तो तीन ब्रांचेस में आई करंट जा रहा है, इसका मतलब कितना करंट यहां आया होगा 3i, यानी इस सर्किट का टोटल करंट कितना है 3i, टोटल करंट इज इक्वल्स टू 3i, टोटल वोल्टेज कितना गिवन है इसको 10 वोल्ट,
तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 10/3 I, राइट? केसीएल लगाने से हमें ये हेल्प मिली है, अभी भी मुझे आई की एग्जैक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। आई की एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए अब हम लगाएंगे केवीएल। अप्लाई केवीएल इन लूप। कौन से लूप में केवीएल लगा रहे हैं हम? ए बी एच सी एंड अगेन ए। कौन सा लूप लिया है? ए बी एच सी ए। आप देखें अगर पाथ कौन सा ट्रैक कर रहे हैं। हम कैसे जाएंगे? हम ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे और ऐसे वापस आ जाएंगे। दिस इज अवर लूप, राइट? तो इसमें वोल्टेजेस लेना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज इसको अभी मैं 1 ओम नहीं देके इन सबको मैं अभी आर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ये सब आर है, अभी बाद में इसकी वैल्यू 1 पुट कर लेंगे सॉल्व करने के बाद। ये सब आर है अभी। तो यहां वोल्टेज कितना हो गया? आर आई। और ये साइन कैसा होगा? प्लस माइनस एंड देन प्लस माइनस। तो मैं एंटरिंग साइन ले रही हूं, तो ये हो जाएगा मेरा प्लस आई आर प्लस आई बाय 2 R प्लस आई आर -10 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान देंगे एक बार दोबारा क्या किया है हमने। यहाँ पे हमने ए बी एच सी ए में केवीएल लगाया है। केवीएल के अकॉर्डिंग किसी लूप में सम ऑफ वोल्टेजेस 0 होता है। तो हमने क्या किया है, यहाँ कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? वोल्टेज ड्रॉप वी इक्वल्स टू आई आर। तो आई इंटू आर, आई बाय 2 × R, आई इंटू आर और उसके बाद 10। 4 वोल्टेजेस है इस लूप में, चारों को हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। साइन देखना, मैंने इसका एंट्रिंग साइन लिया है, तो एंट्रिंग साइन प्लस 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 और यहाँ पे माइनस। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको आई की वैल्यू के लिए। कितना आएगा ये? कितना हो जाएगा? 2 + ½ कितना होगा? 5/2। 5/2 आई आर इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। इस 10 को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया है, माइनस साइन प्लस का हो गया है। इन सब में से अगर आई आर को आप कॉमन ले लें तो 1 + ½ + 1 दैट इज 2.5 विच इज 5/2 इन फ्रैक्शन। यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आई आ जाएगा आपका 20/5 R, राइट? ये आर की वैल्यू हो गई आपकी। आर कितना है? 1 ओम है, तो आर की वैल्यू 1 ओम पुट कर देंगे तो आई आपका हो जाएगा 4 एम्पियर। इस 4 एम्पियर को हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा आर इक्विवेलेंट विल बी 10/4 × 3। इसको कट अगर आप करेंगे 2 के टेबल में तो ये आ जाएगा 5/6। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है? 5/6। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 5/6। दिस इज द आंसर। समराइज करूंगी पूरे क्वेश्चन को, कैसे आपको अप्रोच करना है। आपको एक क्यूब दिया है, क्यूब में आपसे पूछा गया है कि आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बिकॉज इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो हम इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए हमने उसको लगाया है केसीएल और केवीएल। केसीएल यानी कि करंट लॉ, तो हमने पूरे सारे ब्रांचेस में करंट डिस्ट्रीब्यूट किया। कैसे? स्टार्ट किया ए से, हर ब्रांच में अज्यूम किया आई करंट को। जब ये आई करंट यहां पहुंचेगा तो उसके बाद इसको फर्दर 2 ब्रांचेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, बिकॉज रेजिस्टेंस इक्वल है ब्रांचेस का, तो ये I/2 और I/2 हो जाएगा। सिमिलरली सभी ब्रांचेस का करंट आगे जाकर I/2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसके बाद
ये आई बाई टू यहाँ से आ रहा है, आई बाई टू यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ जैसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था वहां पर, यहाँ पर ये यूनाइट हो रहा है, यूनाइट होने के बाद ये वापस आई हो जा रहा है। तो अब सी पॉइंट पे अगर हम बात करें, तो आई करंट, आई करंट, आई करंट, दैट इज थ्री आई करंट, यानी सर्किट का टोटल करंट है 3I। सर्किट का टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट, आर इक्वल्स टू वी बाय आई। अब उसमें हमें आई का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना था, जिसके लिए हमने लगाया है केवीएल। कौन से लूप में? ए बी एच सी एंड देन 10V। व्हाई दिस लूप? क्योंकि हमारा जो एक्सटर्नल वोल्टेज है वो इसी लूप में काउंट हो पा रहा है। अब लूप तो हम ई डी सी जी ऐसे कोई भी लूप लगा सकते हैं, बट उसमें हमारा 10 वोल्ट वाला काउंट नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा लूप लेना चाहते हैं जिसमें हमारा 10 वोल्ट वाला वोल्टेज भी काउंट हो, राइट। केवीएल लगाने के बाद हमने सम ऑफ वोल्टेजेस इक्वल्स टू जीरो किया, जहां से हमें आई की वैल्यू मिली। उस आई की वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट किया और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो 5/6 आया है। इसी तरीके से आपको पेपर में अपने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लेट्स टेक वन अनदर न्यूमेरिकल फॉर मोर क्लैरिटी। सो दिस इज अवर क्वेश्चन, और ये एक अरेंजमेंट आपको दी हुई है बेसिकली, जिसमें कुछ वोल्टेज सोर्स लगे हैं, कुछ रेजिस्टेंसेस लगे हैं, और आपसे ईच ब्रांच में करंट पूछा गया है। तो ईच ब्रांच में करंट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप करंट अज्यूम कर लेंगे। लेट सपोज यहां से करंट निकला पॉजिटिव साइड से, इसको मैंने I1 नाम दिया। उसके बाद यहां जाने के बाद ये I1 डिवाइड हो जाएगा दो हिस्सों में। लेट से मैं यहाँ पे बोल देती हूँ कि हाँ यहाँ पर I2 करंट गया, उसको मैंने I2 नाम दिया। तो अब यहाँ पे क्या लेना चाहिए? डू नॉट टेक I3। हमें अपने वेरिएबल्स अननेसेसरी बढ़ाने नहीं है। आप KCL को याद करें, आने वाला करंट बराबर में जाने वाला करंट, यानी जंक्शन पे I1 आया था, उस I1 में से I2 यहाँ चला गया, तो यहाँ कितना बचा? I1 - I2। जो करंट वहां चला गया उसके अलावा जो भी I1 में से बचा वो यहां चला जाएगा, ठीक है। तीन ब्रांचेस का करंट हमने डिफाइन कर दिया। अब यहां से लेट से यहां से करंट निकला I3, ये I3 यहां पहुंचा और यहां से I2 पहुंचा, तो इस ब्रांच में कौन जाएगा? यहां पर I2 पहुंचा है, यहां पर I3 पहुंचा है, तो इस ब्रांच में कौन जाएगा? दोनों का सम जाएगा ना, I2 + I3 जाएगा। अब ये I2 + I3 यहां पर आया, यहां पर, और उसमें से I1 यहां चला गया, तो यहां पर कितना जाएगा? I2 + I3 - I1। I2 और I3 आया है और I1 यहां से चला गया है जंक्शन से, तो बचा हुआ करंट ये रहा। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो आप ये देखें, जैसे ये यहां पर आ रहा है, कौन आ रहा है यहां पर? I2, I3, I1, और यहां पर आ रहा है I1 - I2। तो यहां पर कितना जाना चाहिए इन दोनों का सम, इसका और इसका सम? अगर आप इनका सम करके देखेंगे, सॉरी, -I2 + I2 + I3 - I1, I1 cancels I1, I2 cancels I2, क्या बचेगा? I3, which is okay। अगर बैटरी से I3 जा रहा है तो बैटरी में वापस I3 ही आना चाहिए। तो ये तो आपने क्या किया है, करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया है। पहला रूल केवीएल केसीएल के क्वेश्चन सॉल्व करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन अज्यूम कर लिया, उस डायरेक्शन के बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस के साइन मिल जाएंगे। जैसे अगर आपके लिए करंट इधर जा रहा है, तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा रेजिस्टेंसेस के लिए। आपके अकॉर्डिंग ये हो गए आपके डायरेक्शंस, राइट। करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव साइन यहां रहा होगा।
पहला काम कंप्लीट हो गया, दूसरा काम है लूप। पहले केसीएल लगाना है, फिर केवीएल लगाना है, तो दूसरा काम क्या है? लूप बनाने का। लेट से मैं ये वाला लूप ले रही हूं, सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड देन लेट से ई। वैसे तो कोई जंक्शन नहीं है बट स्टिल। तो मैंने जो लूप लिया है वो है ए बी सी, राइट? लूप ए बी सी, देखते हैं इसमें वोल्टेजेस का क्या। यहां पर क्या है वोल्टेज ड्रॉप? 4i2। कौन सा साइन लेना है? यू कैन चूज ओनली वंस। मैं एंटरिंग साइन ले रही हूं, तो प्लस का 4i2, प्लस का 2i2 प्लस i3 एंड देन यहां प्लस i1 एंड देन -10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। फर्स्ट लूप गिव्स यू फर्स्ट इक्वेशन, राइट? पहला वोल्टेज ड्रॉप, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप, तीसरा वोल्टेज ड्रॉप एंड ये फोर्थ वोल्टेज, चार वोल्टेजेस का सम इक्वल टू 0 हो गया इस लूप के लिए। ठीक है, लूप को थोड़ा क्लीन कर देते हैं क्योंकि अभी हमें सेकेंड लूप बनाना है। इस लूप की तो हमें जरूरत नहीं है, इससे हमें जो एक्सट्रैक्ट करना था वो हमने कर लिया है। अब हम लूप लेते हैं ये वाला, ठीक है? आप लूप का डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। तो ये लूप हो गया ए सी डी, लूप ए सी डी। तो इस लूप में अगर आप देखेंगे तो अगर हम शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं हम लोग, हम ऐसे चल रहे हैं तो -4 के साथ ये करंट है, -4 i1 -i2 इज द करंट। फिर जब हम एंट्रिंग ले रहे हैं यहां से जब जाएंगे तो प्लस का 10 वोल्ट मिलेगा, प्लस का 10 वोल्ट, फिर मिलेगा माइनस का i1 और फिर मिलेगा प्लस का 2 i2 प्लस i3 -i1 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड लूप से हमें मिला है सेकेंड इक्वेशन, राइट? अब थर्ड लूप से लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड लूप आप कोई भी ले सकते हैं, आप ये वाला लूप भी ले सकते हैं और आप ये बड़े वाला लूप भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इधर ही ले सकते हैं, ये पूरा नहीं ले सकते, आप पूरा लूप भी ले सकते हैं। लूप लेने की बस ये कंडीशन है कि जहां से आपने शुरू किया है वहीं पर आकर आपको एंड भी करना है। ठीक है, मैं अभी इसमें ये वाला लूप ले रही हूँ, बी सी डी वाला, थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। तो इसमें लेट से यहां से स्टार्ट किया है तो -5 वोल्ट प्लस 2 i2 प्लस i3 प्लस 2 i2 प्लस i3 -i1 इक्वल्स टू 0, राइट? यहां से शुरू किया माइनस प्लस प्लस। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को हटा देती हूँ, इस डायग्राम की अभी मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे, मैं एक बार इसमें साइड में, आप लोग के पास तो डायग्राम होगा, आप इसको ऐसे मार्क कर लीजिए कि ब्रांच ए बी का जो करंट है वो i2 है, ए डी का जो करंट है वो i1 -i2 है, देन बी सी डी का जो करंट है, बी सी का करंट है वो है i2 प्लस i3, सी डी का जो करंट है वो है i2 प्लस i3 -i1, ए सी का जो करंट है वो है i1 एंड बी
इक्वल्स टू आई थ्री, सभी ब्रांचेस के करंट हो गए 1, 2, 3, 4, 5 ब्रांचेस के करंट है हमारे पास, ठीक है। थ्री इक्वेशंस, थ्री अननोन्स, मैथमेटिक्स में ये हम करते हैं, अगर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास थ्री अननोन, थ्री इक्वेशंस होनी चाहिए, जितने भी अननोन्स होते हैं, जितने भी वेरिएबल्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है, हमें उतने ही इक्वेशंस चाहिए होते हैं। अगर हमें एक वेरिएबल निकालना है तो एक इक्वेशन इज इनफ, हमारे पास तीन वेरिएबल है आई वन आई टू एंड आई थ्री, तो हमें तीन इक्वेशंस की जरूरत है। विल सॉल्व दीज थ्री इक्वेशंस जिनसे हमें आई वन आई टू और आई थ्री की वैल्यूज मिलेंगी, उन आई वन आई टू आई थ्री की वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे जिससे हमें सारी ब्रांचेस का करंट पता चलेगा। लेट्स सॉल्व इट, पहली इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो वो हो जाएगा 4i2 + 2i3 + i1 = 10, राइट। फर्दर दिस बिकम्स 6i2 + 2i3 + i1 = 10, अ मोर रिफाइंड फॉर्म, लेट्स से 1 सेकेंड वाले के लिए माइनस का 4i1 + 4i2 - i1 + 2i2 + 2i3 - 2i1 gives you -10, which is i1 and i1, माइनस का 6i1 प्लस माइनस का 7i1, देन i2 and i2 + 6i2 + 2i3 इज इक्वल्स टू माइनस का 10, साइन चेंज कर देते हैं सबके, 7i1 - 6i2 - 2i3 इज इक्वल्स टू 10, दिस इज 2-. थर्ड इक्वेशन को रिफाइन करते हैं, 2i2 + 2i3 + 2i2 + 2i3 - 2i1 = 5, which is 4i2 + 4i3 - 2i1 = 5, let's say 3-, right? जब हमने मॉडिफाई कर ली है तो प्रीवियस इक्वेशंस की अभी जरूरत नहीं है, लेट्स रिमूव देम। अब हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के अदर टू में पुट कर देंगे। सो अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो विल गेट i1 = 2.5 एम्पियर, i2 = 5/8 एम्पियर एंड i3 = 1:7/8 एम्पियर, राइट। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व करके आपका i1, i2, i3 आपको मिल जाएगा। अब इस i1, i2, i3 से हम सभी ब्रांचेस का करंट निकाल सकते हैं, जैसे ए बी का करंट कितना है i2, यानी ब्रांच ए बी में कितना करंट हुआ 5/8 एम्पियर, उसके बाद ए डी में कितना करंट है i1 - i2, दैट इज 5/2 - 5/8। सॉल्व कर लेंगे आप इसको, 15/8 एम्पियर। उसी तरीके से बी सी का करंट हो जाएगा 5/8 + 56/8, विच इज 61/8 एम्पियर। सी डी का करंट कितना है, दिस करंट माइनस i1 है 5/2, विच इज 20/8 और ये हो जाएगा 41/8 एम्पियर। एसी कितना है सिंपली 2.5 एम्पियर, बीई कितना है i3 इज 1:7/8 एम्पियर। नाउ यू नो द करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ द गिवन सर्किट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। केवीएल केसीएल पे कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, अगर कोई भी फर्दर क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है जो नहीं हो रहा है, मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। जितने क्वेश्चन करेंगे आप इस पे उतना ही आपको क्लियर होगा कंसेप्ट, उतना ही हेल्पफुल रहेगा।
Now let's take another topic which is not so very important but still you must know. जैसे resistances series में हो सकते हैं, अगर किसी circuit में एक से ज्यादा resistances लगे हैं, parallel में हो सकते हैं, उसी तरीके से cell भी series में या parallel में connect हो सकते हैं किसी circuit में, right? सेल किससे बना है? किसी ना किसी मेटल से बना है. कोई भी मेटल है तो उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी, जिसकी वजह से उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो हर सेल की अपनी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है. लेट्स से इसका ईएमएफ ई1 है, इसका ईएमएफ ई2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर1 है, इसका आर2 है. लेट्स से इसका ई1, ई2, आर1 एंड आर2. अब अगर हमें इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना है, यानी कि जैसे हम सीरीज में रेजिस्टर R1 और R2 होते थे, तो उसकी जगह हम एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा सकते थे विच वॉज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बोथ दी रेजिस्टेंसेस. उसी तरीके से अगर दो सेल कनेक्टेड है सीरीज में, इफ वी टॉक अबाउट सीरीज, इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा दोनों ईएमएफ का सम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस का सम, राइट? अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो सेम एज रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R1 प्लस R2, और ईएमएफ के लिए क्या हो जाएगा, यहां ध्यान देना, ये अलग है. ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 टाइम्स ऑफ R2 प्लस E2 टाइम्स ऑफ R1 अपॉन R1 प्लस R2. रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है वैसे, बट स्टिल यू शुड नो कि अगर सेल, अगर मान लीजिए आपसे एक नंबर में वाइवा में ही पूछ ले कि दो सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो बताओ उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल में कनेक्टेड है तो कितना होगा. ठीक है, न्यूमेरिकल में होपफुली आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. सो लेट्स समराइज, हमने क्या सीखा है इस पूरे वीडियो में. केवीएल एंड केसीएल, केवीएल इज द लूप लॉ एंड केसीएल इज द जंक्शन लॉ. इसको यूज करके आप फर्दर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. उस पर बेस्ड हमने दो न्यूमेरिकल देखे हैं. आपको एटलीस्ट 20 to 30 न्यूमेरिकल्स लगाने हैं इस पर, तब जाके आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.